हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान लाइट लाइन और डार्क लाइन क्यों बनती है। प्रेगनेंसी में डार्क लाइन से आप क्या समझ सकते हैं, लाइट लाइन से क्या समझ सकते हैं, ये भी बात करेंगे कि कितने दिन बाद आपको चेक करना चाहिए प्रेगनेंसी, आपको कब आप कंसीव कर सकते हैं, कितने दिन बाद आप चेक करेंगे कि आप कंफर्म हो सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, प्रेगनेंसी लाइन को लेकर, कितने तरीके की लाइन बनती है, क्या अगर आप फर्स्ट बार चेक करने वाले हैं तो ज़रूर ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दे, अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दे, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ही हेल्प मिलेगी, और जो प्रेग्नेंट होने भी वाली हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब तो आप कंसीव करने वाले हैं तो 1 मंथ आपको वेट करना है, उसके बाद ही ये चेक आप कर सकते हैं। जब आपका पीरियड्स आता है उसके 10 दिन बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपने कंसीव किया है या फिर नहीं किया है। तो वो आपको पता कैसे चलेगा? तो आप वो आप अगर आपको डाउट भी है कि हाँ हो सकता है कि मेरा पीरियड मिस हुआ है, तो आप 10 दिन बाद अपना चेक कर सकते हैं, तो पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। प्रेगा न्यूज़ ले आइए, प्रेगा न्यूज़ बहुत सारे मार्केट में आते हैं, प्रेगा न्यूज़ जैसा ही बहुत सारे किट आते हैं, तो वो आप एक किट ले आइए घर पे, और जो मॉर्निंग वाला टॉयलेट होता है वो आप ट्राई कीजिए कि वो आप उससे आप चेक कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सही बताता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप आफ्टरनून में भी करेंगे या फिर इवनिंग में भी करेंगे तो भी आप पॉजिटिव ही पाएंगे अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो। और अगर 10 दिन ही हुआ है तो आप ट्राई कीजिए कि आप मॉर्निंग वाला टॉयलेट से कीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा ही सही बताता है। अगर आप कंफर्म होना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग वाला टॉयलेट का जो प्रेगा न्यूज़ का जो ड्रॉप डालने वाला उसमें रहता है, तो वो फर्स्ट टॉयलेट आप उसमें डालिए 2 या 3 बूंद, और 2 मिनट वेट कर लेना है, कुछ नहीं जा रहा है वेट करने में, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो आपका एक ही लाइन रहेगा, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका 2 लाइन बन जाएगा। एक लाइन उसमें पहले से ही होता है जब आप चेक करते हैं, तो अगर दूसरा लाइन आपका लाइट बनता है या फिर डार्क बनता है तो आप समझ सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। और अब मैं बताती हूँ कि मेरा लाइट कब बना था लाइन और डार्क कब लाइन बना था। अगर आप जल्दी, कई बार बोला जाता है कि जल्दी आप चेक कर रहे हैं तो लाइट बनता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बेबी गर्ल वाले टाइम पर जब मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी था, तो उस टाइम पर जब मैंने चेक किया था तो मेरा दोनों लाइन जो बना था वो बहुत ज़्यादा डार्क बना था लाइन। और जब मैंने सेकेंड बार यूज़ किया था, चेक किया था, तो मुझे एक जो लाइन थी वो लाइट लाइन लगी थी, क्योंकि मैंने आफ्टरनून में चेक किया था इसलिए मुझे लगा कि शायद ये लाइट लाइन है और मैं जल्दी चेक कर रही हूँ इसलिए भी हो सकता है। लेकिन जब मैंने मॉर्निंग में भी चेक किया तभी भी लाइट लाइन देखा, और जब मैं 5 बार मैं चेक की थी और 5ों बार मुझे लाइट ही लाइन मिला था, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैंने बॉय कंसीव किया था, या फिर हो सकता है कि मैंने जल्दी चेक किया था इसलिए लाइट लाइन आया था। तो ये सारी चीज़ें हो सकते हैं, लेकिन बोला भी जाता है कि अगर आपने बॉय कंसीव किया है तो आपका एक डार्क लाइन आता है जो ऑलरेडी रहता है उसमें, और एक लाइट लाइन आता है जो बॉय होने के सिम्टम्स होते हैं। तो इस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे बॉय के टाइम पर बोला भी जाता है, और मुझे बॉय के टाइम भी मेरा लाइट लाइन आया था और गर्ल वाले टाइम पर मेरा डार्क लाइन आया था, और ये बोला भी जाता है। तो मेरी प्रेगनेंसी में ये बहुत ज़्यादा हद तक मैच किया था, आप देख लीजिए आपके साथ क्या मैच कर रहा है। वैसे लाइन पे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग के दिनों में आपको कैसे ही पता चलेगा उस लाइन से कि आपको बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। लेकिन ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपसे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ
तो ज़रूर थम्स अप दीजिएगा, और आपका कोई क्वेश्चंस होगा तो ज़रूर लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, आपका क्या क्वायरीज है तो उस पर मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस लेकर आऊँ। चलिए फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।